तिवारीपुर थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में बने वर्षों पुराने पोखरों में तड़प तड़प कर सैकड़ों मछलियों के मरने की खबर सोमवार की तड़के सुबह सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पोखरे में मछलियों के मरने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, भारी संख्या में लोग सूर्यकुंड पोखरे की तरफ निकल पड़े और पोखरे परिसर पर मछलियों को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐतिहासिक पोखरे में हुई रहस्यमय तरीके से मछलियों की मौतों की सूचना सुबह ही गोरखपुर न्यूज को एक जागरूक दर्शक ने बताया तो मौके पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने ऐतिहासिक पोखरे पर जाकर देखा और घटना के कारणों की पड़ताल को शुरू किया, जिससे पता चला कि घटना रहस्यमयी है और एकाएक पानी में ऑक्सीजन की कमी होना नगर निगम प्रशासन की इस ऐतिहासिक महत्व के सरोवर के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शा रही है। आपको बताते चलें कि पूर्व में इसी सूर्यकुंड धाम में ठीक रक्षाबंधन के दिन एक सूखे पेड़ का एक हिस्सा गिरने से एक नवयुवक की असमय मौत हो गई थी, जिस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए महापौर ने 3 दिन के अंदर पेड़ काटने की घोषणा की थी, जिसकी एक सप्ताह बाद जब गोरखपुर न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो जर्जर पेड़ उसी तरह मौजूद रहा। बहरहाल इन निरीह मछलियों की जान चली गई। दिवाली पर फिर इस बार इसी सरोवर के चारों तरफ लाखों दिए जलाए जाएंगे, लेकिन क्या इनमें से कुछ दिए इन मृत मछलियों के नाम से जलेंगे या जलाए जाएंगे? गोरखपुर न्यूज भी इस घटना के तह में जाकर इन मछलियों की हुई मौतों के कारणों को तथ्यात्मक कारण को आपके समक्ष रखेगा, यह आपको विश्वास दिलाता है। आपको बताते चलें कि घटना की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, महाप्रबंधक जलकल बीके गुप्ता और डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य विभाग आरपी सिंह सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की माने तो प्रत्येक रविवार को स्थानीय लोग ऐतिहासिक पोखरे की साफ सफाई कर सौंदर्यीकरण करते हैं, श्रमदान करने के बाद चूने का छिड़काव करते हैं। इस मामले में नगर आयुक्त ने कहा कि रात्रि में कुछ लोगों द्वारा चूने की बोरियां किनारे पर डाल दी गई थी, जिसकी वजह से पानी में परिवर्तन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हुई है। वर्षों से पोखरों की साफ सफाई ना होने की वजह से पोखरों में बहुत ज्यादा सिल्ट जमा है, जिसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल सके। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य विभाग ने कहा कि मछलियों के मरने की मुख्य वजह ऑक्सीजन की कमी है। पोखरे की साफ सफाई का ना होना और पोखरे की जगह कम और मछलियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मछलियों की मौत हुई है। पोखरे में चूना डालने से मछलियों की ज्यादा हानि नहीं हुई है। नगर आयुक्त ने तत्काल विभाग का पंपिंग मशीन मंगवाया और पानी को निकलवा कर उसमें ऑक्सीजन बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, मत्स्य अधिकारी आरपी सिंह और उपाध्यक्ष सूर्यकुंड धाम परिसर अमरदीप गुप्ता ने कहा। Thank you.
चालू करवा के उसको पाइप उसमें डलवा अपने स्टोर से मंगवा करके एक पाइप यहाँ लगवा दी। हम पंप मंगवा रहे हैं बड़े वाले, ये पानी निकलेगा तो बगल में इसी सीवर वाले गली गली चला जाएगा। भी है पोखरे नहीं, नाला में चला जाएगा, नाला में चला जाएगा, पानी को नाले में कर देंगे यहाँ से पंप लगवा करके। हम लोग को तो देखा गया उस दिन सामने, हम लोग कटवाते हैं, वन विभाग नहीं कटवाएगा तो नगर निगम ये तो ज्यादा हम लोग को तो लगता है कि जब इधर आएंगे तो कहीं गिर नहीं, सूखा हुआ गोरखपुर बताइए। इसको डीएम साहब को रिपोर्ट भी बना के भेज दिएगा, ऐसे ऐसे कमेटी पानी आए तो की बात और पानी आने का पानी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी सर जानते हैं अभी जो है दीपावली में ये लोग देव दीपावली बनाएंगे, फिर इसका आयल उसी के अंदर जाएगा और आएगा फिर मरेगी मछलियाँ। छठ की स्थिति भी वही है, अच्छा सफाई इसकी होती नहीं है, बाहर की ऑक्सीजन का उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हम लोग को जब जहाँ मछलियाँ मरवानी होती हैं, हम लोग वर्तमान में क्योंकि तेल वाली समस्या नहीं है, तो साफ हो गया है, लेकिन सर अभी धूप हो रही है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पानी मिलने के सूरज उगने से पहले एक घंटा पहले घंटा बाद अगर पानी मिलने की समझ हो जाए बढ़िया, तो फिर मछली कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लाइट आने में तो एलगी अपने आप रात में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ऑक्सीजन बनती नहीं है, तो जितनी ऑक्सीजन रहती है तालाब के अंदर उतना रात भर में लूज हो जाता है। सुबह के टाइम अगर बदली हुई कोहरा हुआ या फ्रेश वाटर नहीं मिला तो अपने आप जो है ऑक्सीजन देखिए बाहर ऐसे होता नहीं, वो बाहर का एयर लेने लगती है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन कमी नहीं होगी पानी में किसी भाई ये नहीं आओ तो फिर मछली मरेगी ही नहीं। अच्छा इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मछलियों के मरने की स्थिति हम लोग यहाँ शाम को रात में यहाँ पे जागरण हो रहा था सूरज कुंड चौराहे पे, हम लोग वहीं पे थे, जागरण समापन के कागार पे था, तो लड़के आके बताए कि भैया क्या मैं वहाँ पे मछलियाँ काफ़ी तादाद में मर रही हैं और क्या मैं इधर उधर तड़प तड़प के इधर उधर किनारे किनारे पे इकट्ठा है, तो हम लोग भागे भागे आए, काफ़ी लड़के आए साथ में, उसके बाद देखा गया कि काफ़ी मछलियाँ मरी थी और काफ़ी इधर उधर यहाँ के लोग निकाले हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग केले का पेड़ उड़ा के उसको कटिंग कर करके उसमें डाला गया, उसके बाद देखा गया कि किनारे किनारे पे सब तरफ चूना रखा हुआ था, जैसे जब चूना डालने के बाद क्या मैं वहाँ पे कुछ अवशेष उसका बचा हुआ था, तो उससे ये पता चला कि ये लोग रोज़ाना हर प्रत्येक रविवार को श्रमदान करते हैं, श्रमदान के बाद ये लोग चूना छिड़काव करते हैं और उसी चूने से ऐसा और बिना घोले चूना डाले उसी तरह क्या मैं गर्म चूना बिना घोले बोरे के बोरे डालने से भी क्या मैं आशंका यही जताई जा रही है। मरने का तो सैकड़ों से ऊपर है और अभी तो क्रम जारी ही है, देखिए अभी शाम तक क्या होता है, बाकी तो नगर निगम अपनी व्यवस्था लगाई दी है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था साथ में अपने उस समय सुबह चार बजे से ही क्या मैं 100 नंबर के पीआरबी पुलिस वाले आ गए, उसके बाद यशो तिवारी पूरा आए, सभी लोग
पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सबका सब सहयोग मिल रहा है। अमरदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष सूरज कुंड धाम जीर्णोद्धार समिति। क्या आपको पता चलता है जो मछलियाँ मरने का क्या वजह कारण? इसकी मुख्य समस्या ऑक्सीजन की कमी है। चूँकि ये बता रहे हैं लोग कि जब से तालाब बना है तब से इसकी सफाई नहीं हुई है और इसमें जो मछलियों की परसेंटेज है बहुत हाई है। तो इसकी डेंसिटी हाई हो गई, दूसरी ऑक्सीजन की कमी है और इसका एक तरीका ये है कि फ्रेश वाटर इसमें मिलाया जाए और समय समय पर इसका ट्रीटमेंट किया जाए बुझे चूने से। तो अभी नगर आयुक्त साहब से बात हुई है और अभी तो हम लोगों ने जो है वो दमकल से व्यवस्था करा दी थी और धीरे धीरे धूप निकलेगी तो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी कम हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। और लेकिन अभी जो है देव दीपावली आ रही है, अभी आपका जो दीप दान करेंगे छठ पूजा वगैरह आ रही है उसमें लोग दीपक वगैरह जलाएंगे तो अगर उसका भी तेल अगर गिर जाएगा तो फिर वही समस्या आ जाएगी। इसलिए इनकी जो समिति वगैरह है उनको बताया जाए कि जो है इसमें किसी तरह से सफाई होती रहे और ताज़ा पानी जो है सुबह के टाइम सूरज निकलने से एक घंटा पहले से लेकर घंटा बाद तक कम से कम एटलीस्ट दो घंटे ताज़ा पानी मिलाया जाए। चूना डालने से ऐसा हुआ? चूना देखिए, चूना जहाँ पड़ा है मेन फंक्शन क्या है, अगर चूने को आप डाइल्यूट कर लेते हैं, मैंने पानी भिगो लेते हैं तो आप स्प्रेड करते पूरे तालाब में। इन्होंने जैसा मुझे बताया गया कि जो है बोरा डाल दिया था तो वो तो जहाँ पे पड़ा होगा वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया होगा, उससे ज़्यादा हान नहीं हुई है, हान तो इनकी गंदगी से हुई है। अभी आप देखिए 8 किलो 7 किलो की मछलियाँ मर रही हैं, आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी मछलियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। आप जानते हैं कि जब भी कम जगह में ज़्यादा जीव रहेंगे तो वैसे भी उससे मॉर्टेलिटी होती है। ये सूरज कुंड ऐतिहासिक पोखरे में आज सूचना मिली है कि रात्रि से ही मछलियां मर रही हैं। पता करने पर संज्ञान में आया है कि रात्रि में कुछ लोगों द्वारा यहां चूने गर्म चूना जो होता है उसकी बोरियां जो है किनारे पर डाल दी गई हैं, जिसके वजह से पानी में पीएच वगैरह का परिवर्तन भी हुआ है और साथ ही साथ उस चूने के असर की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हुई है। मत्स्य विभाग के भी अधिकारी यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे इसका पानी निकाल करके फिर से नया पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है। समिति के लोगों को भी बताया गया है कि जो भी कार्य करेंगे वो मत्स्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता करके करेंगे। साथ ही साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि इस पूरे तालाब का पानी निकाल करके हटाया जाए और बगल में उपलब्ध ट्यूबवेल से और पाइपलाइनों के माध्यम से हम इस तालाब को नए पानी से जो है भरवाएंगे और आगे ये भी व्यवस्था लगातार होता रहे कि त्योहारों पे यहाँ अगल बगल तेल वगैरह के दिए वगैरह न जलाएं जिससे कि तालाब में तेल जाए, क्योंकि 2 वर्ष या 3 वर्ष पूर्व भी पहले भी यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई थी। इसी प्रकार गत वर्ष जो है एक और ऐतिहासिक पोखरे में हुई थी। तो हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए और इसकी सिल्ट जो जमी हुई है आगे भविष्य में एक योजना बना करके इस प्रकार की मछलियों को यहाँ से हटा कर किसी दूसरे तालाब में हम करें और पूरी इस तालाब की सिल्ट निकाला जाए ताकि तालाब के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह जो है मछलियों के अंदर ना होने पाए। ये चूँकि काफ़ी बड़ा तालाब है और समिति यहाँ इस पर निर्णय लेती है, समिति के पास जो है अगर कोई नगर निगम से सहयोग मांगा जाएगा तो जो मंदिर की कमेटी है यहाँ पे सूरज कुंड समिति है, अगर वो नगर निगम से सहयोग चाहेगी तो हम उसके अनुरूप व्यवस्था करा देंगे और आज जो मछलियाँ मरी हैं उनको जो है निकलवा करके उनको जमीन में गड़वाने की व्यवस्था की जा रही है।